ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। और इस एपिसोड में मैं लेने वाला हूँ आप लोगों के लिए बिटसैट के क्वेश्चंस। बिटसैट के हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने चार क्वेश्चन ले लिया है बिटसैट 2019 का। यहाँ पर आप दो क्वेश्चन देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपको कॉर्ड वगैरह से दिख रहा है। और यहाँ पर पीछे दो क्वेश्चन और लिया है मैंने आप लोगों के लिए। सॉरी, दो नहीं, मैंने एक ही लिया है। तीन क्वेश्चन टोटल मैंने लिया है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और दिख रहा है पेयर ऑफ टेंजेंट्स का, जो कि हमारे पास में बिटसैट 2019 का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो एक क्वेश्चन यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो गया, यहाँ एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो गया, और यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया। मतलब टोटल तीन क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। देखते हैं तीनों क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड हम लोग इसमें लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ना इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होता है, तो वो बच्चे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है हमको, और चार में से एक ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, नन ऑफ दीज तो हम लोग ट्रिक वगैरह में सोच नहीं सकते, तो नन ऑफ दीज को हम लोग इग्नोर करेंगे। हाँ, एक्चुअल तरीका होता तो हमारा आंसर आ ही जाता। अगर आप एक्चुअल तरीके से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, करो, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप एक्चुअल तरीके से इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हो, तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, राइट। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उल्टा करके, डिफरेंशिएशन करके। देखो, इसका इंटीग्रेशन ऑप्शन में से कोई एक है, तो ऑप्शन का डिफरेंशिएशन ये वाला होगा, राइट। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन उल्टे टर्म्स हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों ऑप्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। सो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेट से फर्स्ट ऑप्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2x अपॉन 8, राइट। 1 बाई 8 तो कॉमन है, मतलब कॉन्स्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। सो वी आर गेटिंग इट एज एक्स बाई 4, राइट। अच्छा, अगर हम बी ऑप्शन को करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, 2x बाई 2, राइट, दैट इज एक्स ओनली, राइट। इसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने, के तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 आएगा। अच्छा, सी ऑप्शन को डिफरेंशिएट करेंगे अगर हम लोग, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ओनली 1 बाई 2, राइट। हमको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 1 बाई 2। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन हुआ। अब देखो, अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन भी नहीं आता है, तो आप नहीं कर पाओगे सॉल्व। लेकिन हाँ, अगर आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, जैसे ये थोड़ा टफ इंटीग्रेशन हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, अगर जिन्होंने अच्छे तरीके से इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, तो लेकिन ये बेसिक डिफरेंशिएशन तो जानते होगे ना, राइट। सो हमको ये पता है कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो इनमें से कोई एक ऑप्शन है, राइट। और वो ऑप्शंस क्या है, ये ए बी सी, राइट। मतलब कि समझो ध्यान से, इसी को हमने डिफरेंशिएट किया है, मतलब कि ये जो है इक्वल हो गया इनमें से किसी एक से। समझ गए आप बात को, मतलब कि इसका इंटीग्रेशन सपोज ए होता, तो ए का डिफरेंशिएशन ये आएगा, लेकिन ए का डिफरेंशिएशन ये आया, राइट। क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो टेक्निकली दिस इज इक्वल टू या फिर ये, या फिर दिस इज इक्वल टू ये, या फिर दिस इज इक्वल टू ये। समझ गए आप बात को, मतलब कि इसका इंटीग्रेशन सपोज बी होता, तो बी का डिफरेंशिएशन ये होगा। अगर मान लो बी आंसर है, इन दैट केस ये जो डिफरेंशिएट करके आया ना, दैट शुड बी इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन। अब वो कैसे पता लगाएंगे, वो हम लोग पता लगाएंगे एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को जीरो ले लेते हैं, है ना। अगर हम एक्स की वैल्यू को जीरो लेंगे, तो यहां पर क्या आएगा, देखो ये जीरो जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये बचेगा tan इनवर्स रूट वन, मतलब tan इनवर्स वन, tan इनवर्स वन मतलब 45 डिग्री, 45 इंटू टू 90 डिग्री, cos 90 इज जीरो। मतलब x को जीरो लेने से जो ये पूरा का पूरा टर्म है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब यहां पर भी जीरो आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन सी में तो 1 बाई 2 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। इन दोनों में जीरो आ रहा है, जीरो पुट करने से जीरो आ रहा है, तो दो ऑप्शन हमारे बच गए। अब क्या कर सकते हैं, x को 1 ले लो। अगर हम x को 1 लेते हैं, तो यहां पर 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, राइट। सो tan इनवर्स पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब tan इनवर्स 0 इज 0, तो 2 इंटू 0 इज 0, तो cos 0 इज 1, तो यहां पर आना चाहिए हमारा ये टर्म 1। अगर हम x को 1 लेंगे, तो ये पूरा टर्म क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां पर भी देख लो किस में 1 आ रहा है, इसमें तो 1 बाई 4 आ रहा है, और इसमें x को 1 रखने पर ये 1 आ रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ए को भी एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ बचा बी और नन ऑफ दीज। अब नन ऑफ दीज भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, अब आपको एक तुक्का लगाना है। नन ऑफ दीज को हम लोग चेक यहां पर नहीं कर सकते हैं। समझ गए बात को, मतलब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो हमको x मिला, है ना, एंड x इज इक्वल टू दिस। बस वो फॉर्म अलग अलग है, ये x फॉर्म में दिख रहा है, ये आपको ट्रिगो के फॉर्म में दिख रहा है, बट वो है वो सेम चीज। समझ गए आप बात को, राइट। अच्छा,
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 4,3। हमको कोई सर्कल है उसका कोई कॉर्ड चाहिए जो कि बाइसेक्ट हुआ है कहां पर 4,3 पे बाइसेक्ट हुआ है। मेरे को एक बात बताओ, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर ये 4,3 पे बाइसेक्ट हुआ है इसका मतलब जो भी इक्वेशन रहा होगा वो 4,3 को सेटिस्फाई करेगा, येस और नो, वो 4,3 को सेटिस्फाई करेगा ना, है ना, राइट अच्छा तो अगर वो 4,3 को सेटिस्फाई करेगा तो क्यों ना हम ऑप्शंस में ही चेक कर लें। ऑप्शन में अगर हम x इक्वल टू 3 देखते हैं तो x की वैल्यू तो 4 दी हुई है तो ये एलिमिनेट हो गया, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया -3 वाला। अब y की वैल्यू 3, ये y की वैल्यू 3 है और यहां पर y की वैल्यू -3, तो इसको एलिमिनेट कर दो, बचा हमारे पास में क्या, ये वाला आंसर बच गया। समझ गए आप बात को, ठीक है, बस इतना सा ही करना था, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर आपको डाउट हो रहा है कि यार ये कैसे हुआ तो डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये हमारा जो सर्कल है ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, तो इसका सेंटर हो जाएगा 4,0, इसका रेडियस हो जाएगा √16 मतलब कि 4, तो 4,0 पे सेंटर है मतलब 1, 2, 3, 4 पे सेंटर है 4,0 पे और रेडियस भी 4 है, तो ये इस टाइप का कुछ हमारा जो है सर्कल बन गया। क्या आपको बात समझ में आई। अब 4,3 मतलब कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा, राइट तो इस पे हमारा क्या है, इस पे हमको एक कॉर्ड बनाना है जो कि बाइसेक्ट हो, तो वो ऐसा कॉर्ड बन जाएगा सिंपल, है ना, क्लियरली सिमेट्रिकली ये वाला कॉर्ड बन जाएगा और ये कौन सी लाइन है, वाई इक्वल टू 3 की लाइन है, ये आपका हो गया वाई इक्वल टू 3। समझ गए बात को, तो मतलब बिना सॉल्व किए हमने आंसर को मार्क कर दिया। अच्छा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमको कह रहा है कि अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल दिस, देन द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट इज, ये हमको पूछ रहा है। अच्छा एक चीज समझो सबसे पहले तो, कि ये एक सर्कल है, कुछ भी सर्कल हो, जैसे अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसा हो जाएगा +20x +20y +20 इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा -10, -10, राइट, और इसका रेडियस हो जाएगा कुछ रूट ओवर ऑफ 100 प्लस 100 माइनस 20 जो भी हो जाएगा, राइट अच्छा अब ये मान लो कोई सर्कल है और इसमें पेयर ऑफ टेंजेंट बने, मान लो ये एक टेंजेंट है ये एक टेंजेंट है, लेट्स से अब ये दोनों टेंजेंट कहां से बने हैं, फ्रॉम द ओरिजिन, कहां से बने हैं, फ्रॉम द ओरिजिन, राइट, तो जो पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन होगा उसमें ओरिजिन तो सेटिस्फाई करेगा ना, क्या आपको बात समझ में आई, ओरिजिन तो सेटिस्फाई करेगा, तो अगर हम 0,0 को पुट करते हैं तो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, ये वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गया, ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि 0,0,0 पुट करेंगे तो 7 बच जाएगा, राइट, तो हम सी को एलिमिनेट कर सकते हैं, हम सी को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि 0,0 सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, डी ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर जाएगा। अच्छा अब थोड़ा एक चीज और ऑब्जर्व करो अगर आप ध्यान से, तो हमको क्या चाहिए, हमको स्ट्रेट लाइन के पेयर का इक्वेशन चाहिए, राइट, पेयर ऑफ टेंजेंट उसका इक्वेशन हमको चाहिए। अगर आप ऑप्शन बी को ध्यान से देखो तो इसमें आपका एक्स वाई वाला टर्म नहीं है जो कि आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में है, है ना, इसमें एक्स वाई वाला टर्म नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, मतलब ये आपका सर्कल फॉर्म का है, समझ रहे हो आप बात को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू सी, ये आपका सर्कल फॉर्म में है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म का है ही नहीं। अगर ये इसका इसका क्या बनेगा पता है, इसका सेंटर हमारा हो जाएगा -1, -1, -1/2 इसका हो जाएगा सेंटर और इसका रेडियस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1/4 इस तरीके का हमारा रेडियस हो जाएगा इसको सॉल्व करके, तो ये एक सर्कल बनने वाला है क्योंकि इसका इक्वेशन सर्कल का है, एक्स वाई वाला टर्म है नहीं, तो ये सोच के हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक ये वाला ऑप्शन ए और एक ये वाला ऑप्शन डी। अब इसमें आपको तुक्का लगाना है, बहुत बार क्या होता है बच्चे तुक्का लगाते हैं लेकिन अंधाधुन तुक्का लगाते हैं, ए बी सी डी कुछ भी मार्क कर देते, तो आपको मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं, ऑप्शन को एलिमिनेट किया फटाफट से, दो में से एक तुक्का लगा लिया, अब आप लोग माइंड में सोच लो आप ए मार्क करोगे या फिर डी मार्क करोगे, डेफिनेटली देखना बहुत सारे बच्चे जो डी सोचे होंगे, है ना, उनका आंसर सही हो जाएगा और बहुत सारे बच्चे डी सोचेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दो ही प्रोबेबिलिटी बच रही है, पहले आपकी प्रोबेबिलिटी 1/4 की, तीसरा की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/4 की, राइट, तो 50% से ज्यादा 50% बच्चों का तो एटलीस्ट सही होगा ही सही, लेकिन मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा बच्चों का सही हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा साइकोलॉजिकली बच्चे जो है वो डी को फेवर करेंगे क्योंकि डी में थोड़ा है 2x2 5xy, है ना, थोड़ा सा मेरे को लगता है साइकोलॉजिकली बच्चे डी को ही मार्क करते इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन अगर नहीं जाए उन सब साइकोलॉजी में, सिंपल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो भी हमारे पास में 50-50 की प्रोबेबिलिटी बन गई है, 50% बच्चों का जो है सही हो जाएगा बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे, अगर आप डी मार्क करते हो तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। समझ गए, यहां पर हमने क्या करा, ऑप्शन को एलिमिनेट करा, यहां पर हमने क्या करा, एग्जैक्टली पॉइंट को ही पुट कर लिया, और यहां पर हमने क्या करा, ऑप्शन को डिफरेंशिएट किया लेकिन वो उस फॉर्मेट में नहीं आ पाया तो हमने एक्स की वैल्यूज को पुट करके क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है, बाकी तो बस यही बात है।
तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपने ट्रिक्स को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, देख लिया होगा। ऐसे ट्रिक्स बिटसेट में बहुत इजीली अप्लाई होता है और आप लोग अपने स्कोर को बहुत ज्यादा बूस्टअप कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।